नमस्कार। सर्जरी के इस नए टॉपिक में आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में, जो कि दो अलग अलग तरीके से पढ़ने को मिलेगा, डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन और ए डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन। हमें यहाँ पर जिसके बारे में सबसे ज्यादा स्टडी करने का मौका मिलेगा वो है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसके तहत हम यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के डिफरेंट कॉजेस की, तो आप देख सकते हैं हर्निएशन, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन हर्निएशन की वजह से हो गया। हर्निया कितने तरीके के हो सकते हैं, इंग्वाइनल जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरीके की चीजें आप सोच सकते हैं, फीमोरल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इस तरीके के कॉजेज आप सोच सकते हैं। इंटरनल हर्निया में आप मिसेंट्रिक, डायफ्रैगमेटिक, इस तरीके के हर्निया के बारे में भी सोच सकते हैं। तो हर्निएशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने दिमाग में इसी इमेज के साथ आप सोचने की कोशिश करें। इसके अलावा जब हम बात करेंगे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की, तो वहां पर सबसे बड़ा कारण अगर आप देखें तो एडहेशन होता है। एडहेशन ये सबसे बड़ा कारण माना गया है। इसके अलावा आप इंटुसेप्शन, जिसमें आप देखेंगे बॉवल के जो ल्यूमेन होती है एक दूसरे के भीतर इस तरीके से टेलीस्कोपिकली एक के भीतर दूसरे में जाकर के समा जाती है, इसके कारण इंटुसेप्शन की जो घटनाएं होती हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। बच्चों में बहुत कॉमन होता है, बड़ों में अगर इंटुसेप्शन की बात करें तो वो मैलिग्नेंट कॉजेस की वजह से या कुछ दूसरे कॉजेस की वजह से, जहां पर लीड पॉइंट बनते हैं पॉलिप्स की वजह से होता है, वो इंटुसेप्शन के अलग से ही टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का एक बड़ा कारण आप वाल्वुलस की वजह से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाल्वुलस का कॉज आपको यहाँ पर दर्शाया गया है, वाल्वुलस जिसमें ट्विस्टिंग ऑफ बॉवल अपॉन इटसेल्फ, ये भी एक तरीके से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है। इमेजिन कर लीजिए तभी आप समझ पाएंगे। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पर बात करते हैं तो ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। वाल्वुलस पर हम बात करेंगे, इसके बाद आगे हम अलग तरीके से डिस्कस करेंगे इंटुसेप्शन के बारे में। एडहेशन बड़ा कारण होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, बाकी इंटरसेप्शन हो गया, वाल्वुलस हो गया, ये भी कारण होते ही हैं, जिनको अलग अलग तरीके से डिटेल में हम स्टडी करेंगे कैसे इसे मैनेज करना है। इसके अलावा आप जानते हैं हर्निएशन भी एक कारण होता ही है, लेकिन हर्निया को अलग अलग टॉपिक्स के रूप में हम इसे स्पेसिफाई करते हुए पढ़ेंगे, यह भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के दो बड़े कारण होते हैं, जैसा कि आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में, डायनेमिक कॉजेस जो हमें विशेष रूप से स्टडी करना है। हालांकि एम्स में ए डायनेमिक कॉजेस को लेकर के लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम यहां पर पैरालिटिक इलियस के बारे में आगे स्टडी करने वाले हैं। इसी तरीके से मेसेंट्रिक वैस्कुलर ऑक्लूजन, ये टॉपिक भी हम कवर करेंगे मेसेंट्रिक इस्ट्रीमिया के तहत। इसके अलावा हम यहीं पर बात करेंगे स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन की, जिसमें हम देखेंगे किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, लेकिन सिंपैथेटिक एक्टिविटीज की वजह से ए डायनेमिक कॉजेस का यह रूप हमें पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हर्षप्रंग डिजीज में भी या फिर कॉन्जेनाइटल मेगाकोलन के मामलों में, तो वहां पर भी ए डायनेमिक कॉजेस के रूप में इसे स्टडी करने का मौका मिलेगा। यह टॉपिक हम बाद में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम बात करेंगे डायनेमिक कॉजेस की। डायनेमिक कॉजेस को समझने के लिए एक बार हमें इमेज बना करके देखना होगा कौन कौन से कॉजेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ल्यूमेन को बनाना होगा, ल्यूमेन बना करके देखना होगा ल्यूमेन के किस जोन में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो एक ल्यूमेन के भीतर, दूसरा ल्यूमेन के अपने इंट्राम्यूलर म्यूरल जोन में इसका कोई कॉज हो सकता है, जो कि मैं अभी बना रहा हूं, और एक तीसरा कारण हो सकता है इसके बाहर, जिसको आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल। तो एक्स्ट्रा म्यूरल कॉजेस कैसे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो सारी चीजें हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। तो ये बाहर का जिस जोन को मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है एक्स्ट्रा म्यूरल जोन। तो इमेज अगर अच्छे से क्लियर होगा तो हम समझ पाएंगे कौन कौन से कारण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हो गया एक्स्ट्रा म्यूरल कॉजेस। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो इसकी अपनी ल्यूमेन की जो मस्कुलर वॉल होती है, उसकी दीवारों में किसी तरीके का कोई कारण हो, ये कौन से कारण हो सकते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, ये इंट्रा म्यूरल कॉजेस होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर इंट्रा म्यूरल कॉजेस इसको भी हमें समझना होगा। इसके अलावा ल्यूमेन को अगर आप देखें तो ल्यूमेन के भीतर इंट्राल्यूमिनल, ये भी कारण हो सकता है। एक बार इसको अब कवर करते हुए चलेंगे। इंट्राल्यूमिनल आप समझ सकते हैं फीकल इंपैक्शन इसका कारण होता है। फीकल इंपैक्शन कैसे होगा सोचने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से ऐसा हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी हो जैसा कि गॉल स्टोन के आकर के फंस जाने की वजह से, बिजॉल्स हो सकते हैं जैसा कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर कई तरीके के साइकोलॉजिकल इलनेस में पर्सन बार बार बाल खाते हैं, अपने हेयर को खा लें और उसके कारण वो जाकर ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए गॉल
गॉल स्टोन का कॉजेज मैंने आपको बता ही दिया। ये सारे कारण इस इंट्राल्यूमिनल जोन को प्रभावित करते हैं और यहाँ पर ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसके बाद अगले कॉज की ओर बढ़ेंगे जो कि इंट्राम्यूरल होता है। इसमें क्या होगा, इंट्राम्यूरल कॉजेज में आप अभी इमेज में देखेंगे ये स्ट्रक्चर कोई बन जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, स्ट्रक्चर कोई बन गया हो या फिर यहाँ पर कोई मैलिग्नेंसी डेवलप हो रही है, यहाँ पर कोई मैलिग्नेंसी डेवलप हुई है, या फिर अभी मैंने आपको बताया वॉल्वुलस या फिर इंटरसेप्शन इसके कारण हो सकते हैं। तो वैसे बहुत स्पेसिफाइड वे में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वॉल्वुलस को तमाम मामलों में हम एक्स्ट्राम्यूरल कॉज के रूप में रख सकते हैं, इंटरसेप्शन भी इसी जगह पर रखा जा सकता है, लेकिन तमाम मामलों में इसे इंट्राम्यूरल वे में भी रखा जाता है। बाकी अगर आप देखें तो एडहेशन होना, जैसे यहां से यहां तक एडहेशन हो जाए तो ये भी कारण हो सकता है। हार्निया के मामले भी एक्स्ट्राम्यूरल कॉजेस के रूप में हो सकते हैं, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल कोई हार्निया हो, इसके बारे में भी इमेजिन किया जा सकता है। एक बार तेजी से हम डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन और ए डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन के बीच के डिफरेंसेस को देखें। डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन जब होता है तो इसे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, जिसमें बावल साउंड सुनने को मिलेगा। ए डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, पैरालिटिक एलियस और सर्जरी के बाद या तमाम तरीके के मेडिसिन या फिर दूसरे तमाम कॉजेस जो कि पैरालिटिक एलियस से रिलेटेड होते हैं, वहां पर बाउल साउंड हमें सुनने को नहीं मिलेगा। ओपिएट्स, जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का इस्तेमाल करने पर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के देने पर, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होने पर भी इस तरीके के ए डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी घट जाने की वजह से ऐसे मामले हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें डायनेमिक की तो इसे हम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, यही होता भी है। यहां पर क्या हुआ, तेजी से कोई पेरिस्टाल्टिक वेव्स आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो यह मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। अब होगा क्या, ए डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन जो हमने आपको बताया उसे साइलेंट एब्डोमेन कहते हैं, दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। जबकि डायनेमिक में मैंने आपको बताया मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वहां पर पेरिस्टाल्टिक वेव्स होंगी। अगर कॉजेस की बात करें ए डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन की तो यहां पैरालिटिक एलियस, मेसेंट्रिक स्ट्रीमिंग, यह सारे टॉपिक अलग अलग लेवल पर हम आगे बढ़ेंगे। हर्शप्रंग डिजीज या फिर कंजेनाइटल मेगाकोलन के कॉजेस को भी आप जानते हैं। इसके अलावा कॉलोनिक स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन के मामले भी हमें पता होना चाहिए। कई बार पूछा गया है कॉलोनिक स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, एम्स में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे ए डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन के लेवल पर। अभी हम शुरू कर रहे हैं यहां पर डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन से। तो इसमें क्या मैंने आपको बताया, इंट्राल्यूमिनल, जिसमें फीकल इंपैक्शन मैंने आपको बताया, कोई फॉरेन बॉडी या गॉल स्टोन या फिर विजॉर्स की वजह से ऐसा होता है। इंट्राम्यूरल कॉजेज में अगर देखें तो स्ट्रक्चर, मैलिग्नेंसी, इंटरसेप्शन, वॉल्वुलस, ये सारे कारण। हालांकि वॉल्वुलस या इंटरसेप्शन को एक्स्ट्रा म्यूरल में भी रखा जा सकता है, कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है। बैंड्स, एडहेशन, हर्निया, ये एक्स्ट्रा म्यूरल कॉजेज होते हैं, आप समझ सकते हैं। यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन को बेहतर तरीके से देखने के लिए आप देखिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अगर नर्व्स की वजह से नहीं हो पा रहे तो पैरालिटिक एलियस के मामले आप सोच सकते हैं। यहां पर देखिए पैरालिटिक एलियस। फिर आप एडहेशन के बारे में देखिए, ये देखिए एडहेशन हो जाने की वजह से, देखिए ये एक्स्ट्रा म्यूरल कॉज, आप एडहेशन का देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से ये बैंड आकर किसे दबाव दे रही है। इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल्वुलस, अभी मैंने आपको बताया था वॉल्वुलस कैसे होते हैं, टर्निंग ट्विस्टिंग कैसे होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने। इसके अलावा कुछ और भी कॉजेज हो सकते हैं। यहाँ पर नीचे की ओर चलें तो हम देख सकते हैं इंटरसेप्शन को दर्शाया गया है। इसके साथ ही साथ आप देखें इंग्वाइनल हर्निया, ये सारे कारण आप सोच सकते हैं। यह स्ट्रक्चर क्रॉन्स डिजीज के मामलों में जो स्ट्रक्चर बनते हैं, मैकल्स डायवर्टिकुलम के मामले, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। मिकोनियम एलियस को भी आपको सोचना होगा। ये सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन सर्जरी के टॉपिक में कवर की जाएंगी, अलग अलग लेवल पर इन्हें पढ़ना होता है। जबकि इनका ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेस के लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बनते हैं। सवाल इसके आगे यही पूछा गया है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कितने तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन और लार्ज बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें लार्ज बॉवल में नियोप्लाज्म और वॉल्वुलस अभी आपने देखा था वो इसके कारण हो सकते हैं, वॉल्वुलस, ट्विस्टिंग, वो सारे कारण। जबकि स्मॉल बॉवल के लेवल पर अगर आपको इमेज याद हो तो वहां पर एडहेशन, जो कि आमतौर पर पोस्ट ऑपरेटिव, अगर इमेज के माध्यम से इसे देखने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर देखा जा सकता है स्मॉल बॉवल और दूसरा लार्ज बॉवल। तो लार्ज बॉवल में क्या कारण हो सकते हैं, यहाँ पर नियोप्लेसिया कोई डेवलप हो जाए, यहाँ नियोप्लेसिया या फिर वॉल्वुलस के मामले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जबकि आप स्मॉल बॉवल के लेवल पर जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है पोस्ट ऑपरेटिव एडहेशंस। ये एडहेशंस कुछ इस तरीके से दबाव डालते हैं जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव, ये बड़े कारण देखे गए हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा भी गया है नीट में, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन इज इंटरसेप्शन, इयाट्रोजेनिक एडहेशन, तीसरा ऑप्शन ट्रामा, चौथा ऑप्शन कार्सिनोमा। तो
अगर आप देखें तो इंटरसेप्शन पॉसिबल है, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज की बात कर रहे हैं तो इएट्रोजेनिक एडहेशन ही होगा। कार्सिनोमा भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज के रूप में इसे नहीं देखना है। अगर बात करें इसके आगे स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन को थोड़ा सा डिटेल में, तो मैंने आपको बताया ना सेकेंडरी होता है, पहले कोई सर्जरी हुई उसके बाद एडहेशन हो गया, ऐसा आप अक्सर देखने को पाएंगे। ओवरऑल अगर देखें एडहेशन ही सबसे बड़ा कारण होता है, बाकी मैलिग्नेंसी हो सकता है या फिर हर्निया भी इससे एसोसिएटेड हो सकता है। इसमें शुरुआती दौर में क्या होगा, जब यहाँ पर एक्यूट फेज में अगर ये इन्वॉल्व हो रहा है स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, तो पहले पेरिस्टेल्सिस काफी तेजी से होगा, अब बाउल साउंड बहुत तेजी से सुनते हुए पाएंगे, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड हमें सुनते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में चल करके मसल्स फटीग हो जाती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं और इसी वजह से किसी भी तरीके के मिनिमम या नो बाउल साउंड भी हमें प्रेजेंट करता हुआ पेशेंट आ सकता है। इसलिए एक्यूट फेज में जरूरी नहीं है कि हाइपर एक्टिव बाउल साउंड ही सुनने को मिले। कई बार पेशेंट हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर आते हैं तो हमें बहुत क्लियर कट पता नहीं चल पाता है, क्यों? क्योंकि यहां पर हमें किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और प्लेन एब्डोमिनल रेडियोग्राफ की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि डायग्नोसिस बहुत क्लियर नहीं बनाया जा सकता, पेशेंट काफी मिक्स्ड प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं, कॉजेज भी बहुत सारे हैं, इसलिए हमें हिस्ट्री देखना होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन, मैंने अभी आपको बताया ना कारण बहुत सारे हैं, इसलिए हमें हिस्ट्री भी सुनना है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करने और प्लेन एब्डोमिनल रेडियोग्राफ के बाद ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर आप जानते हैं नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग यहां पर बहुत ज्यादा मिल जाती है। अगर वैसे देखा जाए तो कॉलिकी पेन बहुत बड़ी यहां पर हमारे सामने एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। अगर कहा जाए कैसे हम स्मॉल बाउल और लार्ज बाउल के बीच में अंतर कर पाएंगे, तो वैसे तो यहां पर कुछ भी कह पाना बहुत क्लियर कट मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें स्मॉल बाउल में, तो आप देखेंगे यहां पर फूड अभी सेमी लिक्विड फेज में है, मींस सॉलिड फेज में नहीं है, आप समझें यहाँ पर अभी इसका लिक्विड कंसिस्टेंसी ही फूड का होता है, इसलिए आप उस आधार पर सोचेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है स्मॉल बाउल में, स्मॉल बाउल में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या क्या चीजें सोची जा सकती हैं, आप खुद से देखने की कोशिश करिए। डिस्टेंशन कहाँ पर होगा, सेंट्रल पार्ट में मिलेगा, आप यहीं के आसपास देख सकते हैं ना, सेंट्रल पार्ट में मिल सकता है। इसके अलावा अपर एब्डोमेन के इन हिस्सों में हमें पेन का लोकेशन या फिर डिस्टेंशन, हालांकि डिस्टेंशन बहुत बड़ा फीचर यहाँ पर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसका लिक्विड कंसिस्टेंसी हो। कॉन्स्टिपेशन भी यहां पर हमें देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर तेजी से पेरिस्टेल्सिस मिलेंगे, पेरिस्टेल्टिक वेव्स की अगर आप बात करें, मान लीजिए किस लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो बहुत तेजी से मोर फ्रिक्वेंट यहां पर पेरिस्टेल्टिक वेव्स पहुंचेंगी, पेरिस्टेल्टिक वेव्स काफी फ्रिक्वेंट होंगी और ये बहुत थोड़े समय के लिए होंगी, तो पेरिस्टेल्टिक वेव्स बहुत कम समय के लिए होती हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यहां पर फंक्शन करती हैं। और वॉमिटिंग अगर होना होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहां पर वॉमिटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं और जल्दी होंगे। जबकि अगर आप लार्ज बाउल के लेवल पर देखें तो आप लार्ज बाउल, अगर आप असेंडिंग कोलन के ही आसपास के हिस्सों को फोकस करके सोच रहे हैं, तो आप देखें यहां पर क्या होगा, फूड की कंसिस्टेंसी अब सेमी सॉलिड लेवल पर पहुंच चुकी है, सेमी सॉलिड लेवल पर पहुंच गई है, इस वजह से आप यहां पर कॉन्स्टिपेशन पाएंगे, यहां पर जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगा वो कॉन्स्टिपेशन का होगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है किसी लेवल पर तो कॉन्स्टिपेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। दूसरी बात यह है कि अगर यहां पर लिक्विड नेचर का था स्मॉल बाउल में तो कॉन्स्टिपेशन उतना प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, जबकि यहां पर सेमी सॉलिड फूड हो चुका है इसलिए कॉन्स्टिपेशन का प्रेजेंस मिलेगा। पेरिस्टाल्टिक वेव्स आप जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पर कम होती हैं, इसलिए पेरिस्टाल्टिक वेव्स यहां पर लेस फ्रीक्वेंट होंगी, स्लोली स्लोली काम करेंगी, ज्यादा देर तक पेरिस्टाल्टिक वेव्स हमें देखने को मिलेंगे। वॉमिटिंग क्या यहां पर ज्यादा मिलेगा, नहीं, वॉमिटिंग यहां पर उतनी प्रेजेंस नहीं मिलेगी, जबकि एब्डोमिनल डिस्टेंशन यहां पर बड़े लेवल पर होगा, क्यों? क्योंकि फूड कलेक्ट होकर के आ चुका है तो इसलिए एब्डोमिनल डिस्टेंशन यहां पर होगा, जबकि आप स्मॉल इंटेस्टाइन में देख रहे थे यहां पर फूड रुक नहीं रहा था, आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, इसलिए डिस्टेंशन वहां उतना प्रेजेंटेशन नहीं होगा, जबकि यहां पर कॉन्स्टिपेशन के कारण डिस्टेंशन की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, यहां पर अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको फ्लैंक या लोअर एब्डोमेन के साइड में इस लोकेशन पर आपको पेन का प्रेजेंस देखने को मिल सकता है। तो यहां पर जो लोकेशन है जहां पर हम पेन के प्रेजेंस के बारे में सोच सकते हैं वो भी यहां पर देखा जा सकता है। तो एक जगह पर पेन आपको पेशेंट कह रहे हैं सेंट्रल या अपर एब्डोमेन के लेवल पर, दूसरी जगह पर कह रहे हैं फ्लैंक में है या फिर लोअर एब्डोमेन के लेवल पर है, तो आप अंतर कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत बड़े कारण नहीं होते, बहुत क्लियर कट आइडिया नहीं देते, लेकिन कॉलिकी पेन दोनों में ही होगा, लोकेशन ऑफ पेन हो सकता है आपको आइडिया दे दे, लेकिन ये बहुत क्लियर कट आइडिया नहीं है।
सेंट्रल या अपर एब्डोमेन, स्मॉल बावल वाले मामले में होंगे, लार्ज बावल में फ्लैंक या लोअर एब्डोमेन में डिस्टेंशन आपको मैंने बताया सबसे पहले लार्ज बावल वाले में होगा क्योंकि फूड वहां पर सेमी सॉलिड नेचर का हो चुका है जबकि यहां पर फूड उतना ऑब्स्ट्रक्ट होकर के रुकेगा नहीं। कॉन्स्टिपेशन भी स्मॉल बावल में उतना नहीं मिलेगा, लेट होगा जबकि अर्ली लार्ज बावल के प्रेजेंस में आपको देखने को मिलेगा। पीजीआई में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए हम इतना इसमें स्ट्रेस दे रहे हैं। अगर बात करें पेरिस्टाल्टिक वेव्स की तो ये कैसे होंगे, ये कब होंगे, तो यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक वेव बहुत स्ट्रांग होंगे, तेजी तेजी से होंगे, कम समय के लिए होंगे, मींस पेरिस्टाल्टिक वेव्स आए तुरंत खत्म हुए फिर आए तुरंत खत्म हुए, इस तरीके की चीजें होंगी। जबकि लार्ज बावल में धीरे धीरे आएंगे लेकिन लंबे समय तक उनका बना हुआ आप प्रेजेंस देखेंगे। वोमिटिंग की बात करें तो वोमिटिंग अर्ली प्रेजेंस होगी स्मॉल बावल में, लॉजिकली अगर आप सोचें तो वोमिटिंग यहाँ पर लार्ज बावल में लेटर या बाद की प्रेजेंस होगी। पीजीआई में इन्हीं सारी चीजों को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था। पीजीआई में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें वोमिटिंग इज कॉमन इन ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ड्यूडिनल अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वोमिटिंग तो होगा ही। फिर दूसरा है पेन आफ्टर ईच अटैक ऑफ वोमिटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलियल ऑब्स्ट्रक्शन, ये आप नहीं कह सकते हैं, कोलिकी पेन तो बना ही रहेगा, ये कोई ऐसा नहीं हर अटैक ऑफ वोमिटिंग के बाद ही हो, ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान डिस्टेंशन कॉमन होता है वोमिटिंग के कंपैरिजन में, ठीक बात है। कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन में अगर आप देखें लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान डिस्टेंशन बड़ा प्रेजेंस होता है इन कंपैरिजन टू वोमिटिंग। एक्सरे अगर आप इरेक्ट पोस्चर में कराएंगे तो आपको एयर फ्लूइड लेवल आपको देखने को मिलेगा, तो ये ए ऑप्शन ठीक लग रहा है जो कि यहां पर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की प्रेजेंस में होगा। सी ऑप्शन भी आप कह सकते हैं, पढ़ लीजिए एक बार, कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन यानी लार्ज बाउल में डिस्टेंशन बड़ी फीचर होगी वोमिटिंग के कंपैरिजन में। एक्सरे इरेक्ट पोस्चर में कराया जाता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पीजीआई का क्वेश्चन एक और ऑप्शन यहां पर देखने को मिलेगा, कोलिकी पेन टू स्टडी पेन इंडिकेट स्ट्रैंगुलेशन, तो ये भी हो सकता है कोलिकी पेन से लेकर के स्टडी पेन तक स्ट्रैंगुलेशन की प्रेजेंस के बारे में आइडिया दे सकते हैं। आगे हम इसके इन्वेस्टिगेशन और कैसे इसे मैनेज करेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे।